here we have ordered these fried dumplings at Seoul Spice Korean Barbecue, and this is actually a Korean dish. So guys, this table पे हमें reviews लिखे हैं, देख लें सबके reviews लिखे हुए हैं, मैं तुम्हारे मुँह पर लिखूँगी. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Arisha's YouTube channel and I hope you all are doing well. So guys, अभी मेरी आवाज़ और मेरा वो चेहरा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं नींद से उठी हूँ. जब मैं नींद से उठती हूँ ना तो मैं तकरीबन आधा घंटा या डेढ़ घंटा तो मैं ऐसी सूजी भी रहती हूँ, मेरी आंखें सूजी भी रहती हैं और मेरी आवाज़ भी सूजी सूजी सी रहती है. सो गाइज, मैं जैसे ही उठी रात भर से मेरा दिल चाह रहा था कुछ चटपटा खाने का, और मैं जो रात को सोच के सोती हूँ ना वो मैं अगले दिन ज़रूर खाती हूँ. सो गाइज, रात से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ चटपटा खा लूँ, और चटपटा मीन्स के हॉट पॉट, जिसका ब्लॉग मैं तकरीबन 50 बार बना चुकी हूँ. सो आज भी मेरा मूड हो रहा था, इतने दिनों से मैंने हॉट पॉट नहीं खाया, इतना मुंह में पानी आ रहा था डम्पलिंग्स खाने का, यमी यमी चीज़ें कोरियन डिशेस खाने का. सो मैंने सोचा इंतज़ार किस बात का, अनीशा उठो नींद से और जाओ कुछ खाने पीने. सो मैं उठी और अपनी बहन को तैयार किया, मैंने कहा चलो हॉट पॉट खाने चलते हैं. सो आज हम जा रहे हैं किसी नई जगह हॉट पॉट ट्राई करने जिसका मैंने रिव्यू सुने हैं. सो मैंने सोचा कि खुद अटैक करूँ वहाँ पर और आप लोगों को रिव्यू दूँ उसका. सो चलते हैं. जिन जिनको हॉट पॉट पसंद है ना, उनको क्रेज़, वो मेरा क्रेज़ समझते होंगे कि मेरा क्रेज़ क्या है हॉट पॉट से, क्योंकि मुझे चटपटी चीज़ें और मसालेदार चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है. इसी की वजह से मेरा स्किन का हाल जो है ना इस तरह हुआ हुआ है, मुझे हर दिन नया दाना निकला हुआ होता है. सो खैर कोई बात नहीं, जवानी के दिन हैं, दाने आते रहेंगे और बाद में चले भी जाएंगे, कोई बात नहीं. ये बड़ी अच्छी बात कही आपने. सो खैर आज हम जा रहे हैं हॉट पॉट ट्राई करने, आप लोगों को अपने साथ कनेक्टेड रखूंगी और खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या. सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब करें जब तक मैं गाड़ी निकालूं और जल्दी बनूं, लेट्स गो. तो गाइस, ज़ेरा और मैं आज घर से निकल आए हैं और हम आ गए हैं हॉट पॉट खाने. हालांकि इसको भी हॉट पॉट नहीं पसंद है, ज़बरदस्ती खाती है क्योंकि मैं खाती हूँ तो इसको खाना भी ज़रूरी है. तो आ गई है ये मेरे पीछे, गजब बेइज्जती है. और अब हम आ गए हैं, लोकेशन में पहुंच गए हैं और अब जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं क्योंकि मेरी भूख से हालत बड़ी टाइट हो रही है. लेट्स गो. तो गाइस, ज़ेरा एंड आई आर वेटिंग फॉर आवर फूड राइट नाउ एंड we have reached at Seoul Spice Korean Barbecue and Hot Pot and our food is being ready and I'm just so excited to try the food out. Let's see what's it here. If you guys love Korean barbecue like me, then these kind of places are your type. And here we have these fried dumplings. Main zara flash on karu. Here we have ordered these fried dumplings at Seoul Spice Korean Barbecue, and this is actually a Korean dish and it just looks very mouth watering. Oh my god, aa raha hai muh mein pani tumhare, ye dekhe ye kya karti hai, aise khaye, ye dekhe chopsticks istemal karna aati nahi, waise kha le, wo aise kha le. So khair ab hum ye dumplings try karenge aur aapko batayenge, just wait. So guys, now I'm going to try out these fried dumplings. Acha, iske sath koi sauce hoti hai? सॉस. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एब्सोल्युटली नाइस, आई रियली लाइक द टेस्ट एंड द क्रंच ऑफ इट, इट्स जस्ट ड्राइविंग मी क्रेजी मैन. गाइस, इसकी क्रंच आप चेक करें, इट्स वेरी क्रंची क्रिस्पी, इट्स सो यमी, आई जस्ट लव इट. परवा ने मिस कर दिया आज भाई, इतनी मज़े की चीज़ थी ना ये, है ना. पास, आई लाइक दैट. एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ हॉट पॉट टू अराइव. And guys, just look at this little mini location. It's very aesthetic and it's very cool. एक तो छोटी सी जगह है but they made it like a very cool place. And the restaurant name is Seoul Spice. You can get the location on Google Maps as well. So guys, this crispy dumpling are just absolutely yummy. Just look at this chicken inside. And ये जो crispy है ना, इसका जो crisp है, आहा, मज़ा आ रहा है खाने में.
पे मुझे जब मैं आई तो मुझे इनौकी ट्राई करनी थी जो कि इनकी बहुत फेमस थी, बट मैं शायद लेट आई हूँ एंड इट्स जस्ट आउट ऑफ स्टॉक राइट नाउ। हम खाने तो इनौकी आए थे वो भी फ्राइड, बट नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दीज फ्राइड डम्पलिंग्स, बट इसका टेस्ट भी 10 out of 10, लिटरली आई एम नॉट लाइंग हियर, आई नेवर हैड दीज टेस्टी डम्पलिंग्स इन माई लाइफ। जस्ट वेटिंग फॉर माई हॉट पॉट टू अराइव एंड हियर आर ड्रिंक्स कमिंग एंड हियर्स आर फूड। ये भी क्यों बचाइए, खा लो ना, एक तुम खाओ एक मैं। डंडियां तोड़ दी मेरी बहन ने बचाई ने। सो गाइस द हॉट पॉट थिंग्स आर हियर एंड वी आर हैविंग मच प्रोटीन्स टुडे एज श्रिम्प्स एंड व्हाट डू वी कॉल इट, इसको आपने क्या बोला था, फर्स्ट टाइम आई नेवर हैड इट बिफोर। कोरियन हैव वियर्ड डिशेस, सो डू वी हैव नाउ, सो हियर आई एम हैविंग टुडे बॉक्चो टुडे एंड बॉक्चो के साथ हम खा रहे हैं चिकन सॉसेज के साथ हम खा रहे हैं श्रिम्प्स के साथ हम खा रहे हैं चाइनीज नूडल्स। और सबसे मज़े की बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं दुनिया के ऐसे नूडल्स खा रही हूँ जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे, गारंटी ले लो, शर्त लगा लो, कुछ भी आप लोगों ने नहीं खाए होंगे। सो गाइस ये जो आज मैं खाने जा रही हूँ ये नूडल्स हैं, सच में ये नूडल्स हैं एंड दीज आर कॉल्ड जूडल्स एंड आई डोंट नो व्हाट आर दे मेड ऑफ, बट ही सेइंग दे आर वेरी टेस्टी एंड they are in trend, people are eating it these days, so you should try it definitely. So I thought why not to give it a try and here we have these Chinese noodles with us, so can't wait to make it ready and eat it. So guys ye noodles denge, tum khaoge ye noodles, khao kyun nahi try to karo, ye noodles kaise ho sakte hain, I am just shocked. So guys ye V wali dishes aaj hum kha rahe hain, ये हो सकता है वी वाली डिशेस खा के वी रिश्ता मांगने आ जाए हमारे, ये सब नहीं खाता है ना, नहीं खाता नहीं, क्यों, कोरिया में रहता है तो खाता होगा, ये फिर सब्जियां खाता है, सब्जियां खाता है, तो हम भी सब्जियां खा रहे हैं, हम नहीं खाता ना, तो हम भी खा रहे हैं बॉक्चो शॉकचो मॉकचो बॉक्शो सब खा रहे हैं हम भी, क्या हो गया है, वी से कम नहीं है हम भी। सो गाइस हॉटपॉट अब तैयार करते हैं और फिर खाते हैं और आपको बताते हैं किस तरह का है हमारा हॉटपॉट, और ये नहीं हमारी डंपलिंग्स, टेस्टी डंपलिंग्स, डम्पलिंग्स तो दिखाना ही भूल गए बाबू भैया, ये रही हमारी डम्पलिंग्स। सो गाइस फाइनली द हॉट पॉट इज रेडी एंड आई विल ट्राई इट आउट, श्रिम्प्स, हियर आर द श्रिम्प्स डम्पलिंग्स एंड द चिकन सॉसेजेस, ज़ेरा इज ट्राइंग एज वेल एंड दिस इज नाउ माय टर्न। It's very spicy but I find the taste really nice and I'm enjoying it. Dusra pot abhi ban raha hai, ek pot mein apna enjoy kar rahi hu, let's wait for another session. सो गाइस दूसरा बाउल मेरा अभी ख़त्म नहीं हो रहा और दौरान मैंने मंगाई है ये मिंट मार्गरीटा ड्रिंक और हॉट पॉट, बड़ा मज़े का था, आई लाइक द टेस्ट, और ज़ेरा ने अभी तक ख़त्म नहीं किया, मैं अभी तक खा पी रही हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माय मिंट मार्गरीटा, इसकी ड्रिंक अभी आ रही है एंड द ड्रिंक इज़ नाइस एज वेल, द हॉट पॉट वॉज वंडरफुल एंड द डम्पलिंग्स आई हैड टेस्टेड वेरी वेरी अमेजिंग। So if you guys love the Korean dishes, then this is the place for you guys, must visit, okay? And this is not a paid promotion or I did get a free dinner. No, I paid for it. Just to let you guys know. So guys, Zera ordered pina colada for herself. Acha laga? Taste acha? Taste is nice of pina colada and that's her bowl. And this is my bowl.
विद ड्रिंक्स और इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है व्हेन यू ईट हॉट पॉट। मैं तो हमेशा इतने ज़्यादा डिशेज गंदे कर रही होती हूँ और मैं पी रही हूँ पीना कोलाडा और बस मुझसे अपना ये बाउल जो है ना कब से ख़त्म नहीं हो रहा। गाइस फाइनली डन एंड डस्टेड, बहुत खा लिया हमने और मैंने भी बहुत ज़्यादा खाया है। कोरिया वालों तुम लोग ही खाओ, हम इतना ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। मैंने दो बाउल खाए भर के एंड आई एम डन नाउ, और नहीं ज़्यादा खाया जा सकता। और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस इनका हॉट पॉट और स्पेशली द फ्राइड डम्पलिंग्स, मज़ा आ गया खाकर। मतलब जो रात से मुझे क्रेविंग्स हो रही थी ना, क्रेविंग सेटिस्फाइड। और चाइना और आज फरवा ने जो है मिस कर दिया है, आज फरवा नहीं आई हमारे साथ, पर कोई बात नहीं, हमने उसके लिए पार्सल ले लिया है। सो गाइस डन एंड डस्टेड, ये और गाइस इट वाज रीजनेबल एज वेल, नॉट टू मच एक्सपेंसिव, सो यू कैन कम डेफिनेटली। सो गाइस इस टेबल पे हमें रिव्यूज लिखने हैं, देखें सबके रिव्यूज लिखे हुए, मैं तुम्हारे मुंह पे लिखूंगी। सो गाइस दिस इज द लोकेशन, जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस। ओके थैंक यू बाय। सो गाइस आज हमने बहुत ही यमी खाना खा लिया है और अब हम वापस घर जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और गाइस आपको बताना था कि खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बीइंग अ हॉट पॉट फैन मुझे हर जगह का हॉट पॉट टेस्ट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड आई एम अ फैन ऑफ कोरियन डिशेज ऑलरेडी, बिकॉज मुझे हमेशा कोरियन डिशेज एक तो बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी हो रही होती हैं, अच्छी होती हैं यूजुअली। तो खैर मुझे बड़ा मज़ा आया, चटपटी सी जो क्रेविंग थी ना मेरे अंदर आज वो पूरी हो गई है और उम्मीद है कि आपको भी ये मेरा छोटा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप कहेंगे तो इस तरह के मैं मिनी व्लॉग जो है ना आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी, क्योंकि जैसे अचानक मूड होता है मैं कहीं कुछ खाने पीने चली गई और व्लॉग बना लिया और आप लोगों ने इन्जॉय किया इस तरह, तो मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं इस तरह के व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। सो गाइज ओवरऑल टॉकिंग अबाउट सोल स्पाइस टूडे, फूड बड़ा मज़े का था गाइज, स्पेशली दोज क्रंची क्रिस्पी dumplings which were fried, actually they were absolutely yummy and that was my first time that I tried it. मैंने कभी fried dumplings नहीं खाई पहले, मैंने सिर्फ momos खाए हैं और या तो फिर hot pot में dumplings वगैरह खाई हैं। So खैर overall जो मेरा review है that is super amazing, super taste. So I'll rate it out 8 out of 10, yes इतना था। और जो था वो क्या कहते हैं रेट लिस्ट जो भी थी वो भी बड़ी रीजनेबल थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी कि आप कहीं और चले जाएं, जैसे कि आप हॉटपॉट खाने वैंग वैंग चले जाएं तो वैंग वैंग आर चार्जिंग सो मच फॉर जस्ट फॉर द सिंपल इंस्टेंट नूडल्स, यार इतना चार्ज कर रहे होते हैं। सो दिस प्लेस वॉज क्वाइट रीजनेबल, तो अगर आप रीजनेबल हॉटपॉट खाना चाहते हैं देन जस्ट गो टू दिस प्लेस। और ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपको हॉटपॉट ही मिलेगा, और भी बड़ी मजे की चीज़ें थी, वो भी कोरियन ही थी, फ्राइड डम्पलिंग्स और ये वो जो और भी कुछ खाना था पर वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो कोई बात नहीं। सो खैर आज का बताने का मकसद यही था कि मुझे बड़ा मज़ा आया, आप लोगों के साथ चिट चैट हुई, व्लॉग बनाया और अब बस मैं घर जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे बड़ा मज़ा आया। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, टिल देन आप अपना और मेरा भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और जल्दी बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ज़हरा आपको मज़ा आया? बहुत। ज़हरा और मैं देखिए रात को इस तरह निकल आते हैं घर पे, सबको बिठा के हम खा पी कर जो है मस्त एकदम अब बस घर जा रहे हैं। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, पीस आउट, बाय बाय।